Let me take you to a heaven on earth. Karkitchoo, a sustainable village, which could be study material for any architectural student. A place away from the sounds of city lives, where birds, cattle, and humans live in harmony and wins a battle every day. Most of the houses here are hundreds of years older, made purely by stone and wood. Though we found some houses with cement, that made us wonder what kind of struggle it is to carry stuff to a mountain like this, where there are no roads. Ab to aadat si ho gaya ji. This is what an old woman told me. This is just one of the villages near Kargil. ऐसे बहुत है. फिलहाल मैं इस गांव की कहानी बताता हूँ. यहाँ पे 100 फैमिलीज है और 4 महीने यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ होता है. इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है एप्रिकोट एंड एप्पल्स. दे कल्टिवेट वेजिटेबल्स ड्यूरिंग समर एंड स्टोर इट फॉर विंटर. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है आपका. एक्चुअली आप लोग यहीं पे रहते हो, मतलब आप यहीं पे रहते हो? कितने सालों से? हम तो इसको कदम 75 साल हो गया. 75 साल हो गया पैदा हुआ. अल्लाह ताला इसको थोड़ा पहनने के लिए फटे हुए कपड़े पहनते थे. ओहो हो, बिल्कुल ये पैजामा बिल्कुल था नहीं था. है नहीं. ओहो हो, इतना वक्त था क्या कहने के बाद. ऐसे वक्त था. इंशाल्लाह शुक्र करने का जमान नहीं. हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जमान है. अल्लाह का शुक्र है. आप लोग को तो बड़े आपका जन्नत है ना. नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद हुसैन. दिस इज कार्किचू. इफ यू विल गो अ लिटिल फर्दर ऑन अपील जी, देयर इज अ विलेज कॉल्ड मजदास. आफ्टर दैट देयर इज अनदर विलेज कॉल्ड बडगाम. द लास्ट विलेज आफ्टर दैट इज हरल. हरल के पास इज बॉर्डर. सारे एक ही बॉर्डर ऑल ऑन दिस माउंटेन. यस यस ऑन दिस माउंटेन. जी यहाँ के लोग इनका इनकम क्या है वैसे? ये लोग सर्वाइवल कैसे हैं? पैसे 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 के बारे में या इनकम तो क्या है यहाँ का? फ्रूट कमाने की वजह से थोड़ा बहुत है यहाँ पे इनके लिए कमाई और सेव. बाकी तो इतना खास इनकम भी तो नहीं है. इतना जॉब भी तो ज्यादा लोगों को नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे बर्फ गिरता है जी. बर्फ तो गिरते हैं यहीं पे आता है सर. हाँ यहीं पे कभी 1.5 फुट या 2 फुट. अच्छा, 6 इंची 4 इंची इस तरह करके, मतलब पूरा विंटर में कम से कम 2 फुट या 2.5 फुट तक जमा होता है. और विंटर के टाइम पे आप लोग को मतलब फ्रूट्स भी नहीं होंगे ना कुछ? हाँ फ्रूट्स कहाँ, विंटर के टाइम में तो कुछ भी तो नहीं है. यहाँ की हर एक सब्जी तक भी नहीं होता है यहाँ पे. अपना जो का लोकल सब्जी जो समर में होता है, जो बाहर के दिनों में हम जमा करके रखते हैं. तो विंटर में क्या करते हैं? बस वही यूज करते हैं. और ज्यादातर दाल ज्यादा नहीं होती यहाँ पे. यहाँ का जो है सब्जी हरे पत्ते से मूली आलू टमाटर ये सब कुछ स्टॉक करके ही रखते हैं. ये आपकी जो जमीन है नीचे वहाँ पे आप खेती करते हैं? हाँ वहाँ पे खेती करते हैं. हम गेहूँ लगाते हैं वहाँ पे. फिर उसके बाद 2 फसल इसी खेत से हम लेते हैं. अच्छा, एक पहले से हम गेहूँ लगाने के बाद फिर उसके बाद हम उसमें मूली प्याज टमाटर ऐसी चीजों का वैसे ऐसे चीज लगाते हैं. फिर बाद में दूसरा. यहाँ पे कितने हाउसेज होंगे वैसे? हाउसेज तो अभी लगभग 100 के करीब पहुंचे. 100 फैमिलीज होंगे यहाँ पे. अच्छा जी, पूरा इतना है. सेल्फ सस्टेनेबल विलेज, पीपल विद नो बिग ड्रीम्स, नो कंप्लेंट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. आपका ही एप्पल है? सानिया जहरा, बहुत खूबसूरत है आपका नाम. तो कौन रखा है ऐसा नाम? पापा ने रखा. माशाल्लाह. खाना पक गया कि बना रहा है? क्यों पक गया? हाँ बकरी खाता हूँ. चलो कोई नहीं. मुर्गी मुर्गी होगी? मुर्गी मुर्गी है. After coming here, I have felt that we should see India first before we go and see the world.
Everyone should travel to places like this to understand the uncountable blessings that we already have. Very good. To know how lucky we are and how small our problems are. Everyone here is fighting a battle of his own. And yet, they live in harmony. No complaints. The love showered on us were deeply gone down to heart. It made me feel that I have to come back here someday and do something for these beautiful kids and make them dream big. Chacha ji said, to discover India, we should travel to villages. Villages untouched. Villages like this. To meet some pure souls and understand the heart of India.